नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम होली के शुभ अवसर पर सरकार की तरफ से ऐसे मोबाइल ऐप की जानकारी देंगे जो किसानों को उनकी उपज पहुंचाने में एवं दुगनी कमाई प्रदान करने में मदद करेंगे। होली से पहले केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने दो महत्वपूर्ण किसान अनुकूल ऐप लॉन्च किए हैं जो किसानों की उपज को विभिन्न खरीदारों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इनमें इनाम मोबाइल ऐप शामिल है जिसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ जोड़ा गया है जो कृषि उपज बाजारों को जोड़ता है। वहीं दूसरी ओर FPO इंस्पेक्शन मोबाइल ऐप जो FPO और किसानों को अधिक खरीदारों तक पहुँचने में मदद देता है। अब बात करते हैं ईनाम क्या है। ईनाम का मतलब है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो पूरे भारत में मौजूदा कृषि उपज बाजारों को जोड़ता है। ईनाम भौतिक मंडियों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है, जिससे खरीदारों को स्थानीय व्यापार में भाग लेने की इजाजत मिलती है। बता दें यह पोर्टल 14 अप्रैल 2016 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे वित्त पोषित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। अब बात करते हैं ई नाम से बढ़ रही किसानों की आय। ई नाम पर किसानों की उपज की प्रतिस्पर्धी बोली लगने से किसानों की आय बढ़ रही है और विक्रेताओं को समय पर ऑनलाइन भुगतान भी मिल जाती है। चूंकि इनाम की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए यह पूरी तरीके से सही है। 2016 में शुरू हुए इनाम पोर्टल पर अब तक 1.77 करोड़ से अधिक किसान और 2,55,000 से अधिक व्यापारी पंजीकृत हो चुके हैं। 3,600 से अधिक FPO भी इनाम प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अब बात करते हैं FPO निरीक्षण मोबाइल ऐप के फायदों के बारे में। 10,000 FPO के गठन और उन्हें बढ़ावा देने की योजना के लिए प्रभावी निगरानी और रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से यह ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप की बड़ी विशेषता है कि निरीक्षण करने वाले व्यक्ति की तस्वीर और भौगोलिक निर्देशांक के साथ उसे कैप्चर करके निरीक्षण की वैधता को सुनिश्चित करना है। इसके अलावा CBBO से जुड़ी FPO की गतिविधियों की पूरी निगरानी और निरीक्षण भी करना है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।